बाबू नाथ जी जिस पर जो जिस प्रकार सिर पर एक कांच की गिलास उसके ऊपर पानी से भरा लबालब मटका और पानों में गिलासों के ऊपर चलते हुए बाबू नाथ जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। दूसरा क्लास सुशोभित करने हो तो क्या शुभ लाभ आपका बबना जी एक मिनट इनके हाथों से करो नहीं ये बहुत पवित्र कार्य होगा। क्या शुभ लाभ आपका अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी दूसरा क्लास सुशोभित करेंगे रत्न सर जी मटकी उठाएंगे। धन्यवाद। चलिए इंटरनेशनल है और बबना जी के पांव के नीचे है थाली और एक बार इनके सम्मान के लिए बजा दीजिए जोरदार। क्या बात है आपसे निवेदन आप पधारिए मंच पर आप आ भाई
और बबना जी के सिर पर तीसरा गिलास आपके कर करोड़ों के द्वारा, क्या शुक्राना आपका रवि जी, क्या बात, क्या बात है रवि जी का, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की आन बान शान वो तलवार जिसने राजस्थान की मर्यादा को कायम रखा, वीरों की वीरों का आभूषण, वीरों का सिंगार, और बाबूनाथ जी किस प्रकार उस पर हवा भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं और ये अभिनंदना हो रही है। सिर पर चौथा और अंतिम ग्लास सुशोभित करने के लिए कोई भी परोपकार का कोई भी सत्संगी यहां पर आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए और अपने हाथों से सुशोभित कर रहे हैं। सतगुरु रे परता, सतगुरु रे परता, सतगुरु रे सतगुरु रो करता, 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 thank you।
सिर पर चार कांच के गिलास एक के ऊपर एक और उसके ऊपर पानी से भरा लबालब मटका बाबू राम जी नृत्य की प्रस्तुति करते हुए और कानों में देख रहे हैं कांच वो बोतलों के कांच जिन पर बाबू राम जी अभी नृत्य प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं। कांचों पर अपने पांवों से नृत्य की प्रस्तुति करते हुए बाबू राम जी के लिए जोरदार ताली। Yeah.